हमीरपुर जिला में हीट वेव से स्कूली छात्राओं को सुरक्षित रखने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है, जिसमें हीट स्ट्रोक से छात्रों को बचाने के लिए स्कूल में सभी पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के लिए पंखे, वेंटिलेशन और ठंडा पानी उपलब्ध करवाया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पीएचसी तथा सीएचसी व क्षेत्रीय अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट कॉर्नर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट तथा हेल्थ काउंसलर को भी लोगों की काउंसलिंग के लिए कहा गया है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को हीट स्ट्रोक होने के कारण तथा बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है और रोजाना की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। सभी जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं चाहे ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ सब पे एक हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट कॉर्नर जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। वहाँ उस कमरे में सारी सुविधाएं हों जो हीट को स्ट्रोक को प्रिवेंशन में हमें जरूरत होती है, जैसे ठंडे पानी का इंतजाम, आइस का इंतजाम, वेंटिलेशन या एसी, उस पे बेड होता है, उसमें ओआरएस होता है और कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं और एक हमारा स्टाफ होता है और उसके साथ साथ एक आईसी मटेरियल डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोग जो भी वहाँ पे आए थक जाते हैं लाइन में नहीं खड़े उसके, उनको उस रूम में बिठाया जाए, पानी पिलाया जाए, ओआरएस दिया जाए और फिर उसको रेस्ट करने के बाद जो है वो वहाँ बैठ के वो अपने दवाई लें और उनको प्रेफरेबली पहले देखा जाए।